नमस्कार एवरीवन, आइए दोस्तों वन टक्स ब्लाउज की और मेगा स्लीव्स की स्टिचिंग करते हैं, जो कि बहुत सुंदर है, प्रोफेशनल है और इजी भी है। बहुत सारी मेरी सब्सक्राइबर्स बहनों की डिमांड है कि हम उनको अच्छे से मतलब फुल स्टेप इसकी स्टिचिंग बताएं। यह है कटिंग की और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखो ये हमारे आगे के पार्ट्स हैं, और अगर आप वीडियोज को पूरा नहीं वॉच करते हो तो देखो समझ में आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से जानना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। ये जो हमारी डार्ट है ऊपर से शोल्डर से 10 इंच नीचे होती है, और यहाँ से हमने इसमें सवा सवा इंच यानी 2.5 इंच की ये हमारी डार्ट है। यहाँ से कमर के पार्ट से ये डार्ट लगेगी, तो यहाँ से हमने इसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और जस्ट में हमने लूजिंग के लिए आप इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, और बाकी आप कम ज़्यादा भी इसमें कर सकते हो, वो आपकी रुचि है। 1 इंच की आप अपनी लूजिंग लेकर के उसके बाद आप जांच लें कि आपका ब्लाउज ओके बन रहा है, आप बराबर में उतनी ही लूजिंग रखें। अगर आपको और उससे लूजिंग पहनते हो या आप उससे ज़्यादा एकदम बिल्कुल फिटिंग पहनते हो तो आप उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि वन ही डार्ट का ब्लाउज है। इसके आगे के ये हमारे 2 पार्ट है और ये हमारा बोट नेक है। बोट नेक के लिए ये देखो, ये हमारी जैसे कि मैंने बैक साइड में ऐसी नेट की डिजाइंस लगाई है, वैसे ही आगे भी हमारा ये बोट नेक लगेगा। और इस पे आप जैसे कि ये देखो, ये जो हमारा इसका निकला हुआ पार्ट है, इसको हम पट्टी निकाल लेते हैं ताकि हमारी बोट नेक में और तुरपाई की पट्टी ये लग सकती है। तो इसको मैंने यहाँ पे 1 इंच का कटिंग कर लिया है, 1 या 1.25 इंच का आप कटिंग कर लो इसी पट्टी को जो कि निकलती है, और इसको हम यहाँ पे ऐसे इसके अटैच कर लेंगे। यहाँ पे आपकी ये जो तुरपाई की पट्टी अटैच हो जाएगी और इसको आप फोल्ड कर लेना। तो ये तो तुरपाई की पट्टी है और आप इस पे पाइपिंग या लेस भी बाद में लगा सकते हो। तो ये पार्ट मैंने आपको बताए हैं। अब मैं आपको इसमें जो ये मेगा स्लीव्स कटिंग किए हुए हैं, ये मेगा स्लीव्स भी मैं आपको इसमें अटैच करना बताऊंगी। और देखो लास्ट के अंदर जो हमारा ये जो बैक साइड का डिजाइनर ब्लाउज है, ये भी हम आप जो स्टिचिंग करेंगे तो आपको ये नेट की डिजाइन आप तक पहुंची हुई होंगी। और आप इस डिजाइन को खूब वॉच कीजिएगा, बहुत अच्छे से बनाइएगा, आपकी पीठ में ये बहुत अच्छा लुक देंगी ये डिजाइन है। तो आप इसको, अगर आपको ये पूरी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें अच्छे अच्छे कॉमेंट भी कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी ये जो वाली फर्स्ट सिलाई है। और इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं, आप सबसे पहले इस लाइनिंग के पार्ट को और इस मेन फैब्रिक में अटैच कर लो। कैसे करेंगे, इसके जो साइड है उसको सील लेना है। हमने अपनी पार्ट्स के चारों ओर कच्ची स्टिचिंग कर ली है, और अब जो हमारी वन डार्ट है अब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे जो कि 1.25 इंच की है। तो आप इसको ऐसे फर्स्ट जो डार्ट है एक ही डार्ट पे आपका ये ब्लाउज होगा और फिनिशिंग के साथ भी होगा और फिटिंग के साथ भी होगा। तो आप इसको कैसे सिलेंगे तो मैं आपको इसको फुल वीडियो दिखा रही हूँ, तो आप इसको फुल वॉच कीजिएगा। देखो फर्स्ट स्टिचिंग कर लिया हम, जो दूसरी साइड है उस पे भी आप ऐसे देखो, ऐसे आप ये देखो 1.25 इंच हो गया यहाँ पे। और इसको आप ऐसे डार्ट को पहले लगा लो ताकि आपको बिल्कुल भी कोई समस्या ना हो। तो ये मेरी सिलाई की लाइन हो गई है, यहाँ पे मैं इसको ऐसे स्टिच कर लेती हूँ और इसको सिलाई को चीर लेना है। आप इसको आयरन से और अच्छे से चीर ले। तो ये हमारी ब्लाउज की 1 डार्ट लग चुकी है, ठीक है। अब हम इस पे अपनी जो नेक लाइन है, जो नेक का राउंडिंग है वो लगाएंगे। तो ये आपको बताएं, ये देखो ये हमारा नेक का राउंडिंग यहाँ पे तैयार है ये वाला। और इसको हमने ऐसे ये जो पट्टी अटैच कर ली है, और इसको आप ऐसे फोल्ड कर सकते हो। पहले आप इस पे कट लगाएंगे हम इस पे,
क्योंकि ये राउंड में है तो ऐसे फोल्ड नहीं होगी, तो आप इसको ऐसे कट लगा लो और नेक को चिपका करके पहले इसको फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद में नेक यहाँ पे हम अटैच करेंगे। तो क्या करना है, ऐसे इसको फोल्ड कर लेना है। पट्टी को ऐसे ऐसे पहले अलग से फोल्ड कर लें, उसके बाद में हम नेक लाइन पे फोल्ड करेंगे। इससे ये आसानी हो जाती है फोल्ड करने में, और स्टिच करने से पहले भी आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हो। ये मैंने इसको स्टिच करने के बाद में ऐसे फोल्ड किया है। टोटल आपको पता होना चाहिए कि एक काम को करने के कितने सारे पैटर्न्स, कितने सारे तरीके, कितने सारे रूल्स होते हैं। तो आप कोई सा भी अपनी आपको जो इजी लगे उसे आप कर सकते हो। तो अब हमें इसको ऐसे फोल्ड कर देना है और ये सीधी हमारी स्टिचिंग होगी। इसके बाद हम इसको दो कट में कटिंग करेंगे, इसकी डबल पार्ट में, क्योंकि नेक हमारा सिंगल कटा हुआ है यहाँ पे, इसको हम डबल कट में कटिंग करेंगे। बस इसको ऐसे सीधा फोल्ड करना है। तो ये हमने जो हमारी है देखो वो प्लेट्स लगा ली है, और ये देखिए ये 1.25 इंच की हमने यहाँ पे प्लेट्स लगा ली है, और ये 1 टक्स प्लेट्स है। अब ये जो बीच का नेट बोट नहीं का हमारा, इसको हम 2 पार्ट्स में कर लेते हैं, क्योंकि हमारा फ्रंट ओपन है और इसको हमने सिंगल में कट कर लिया है। इसमें जो तुरपाई की पट्टी भी अटैच कर ली है, और अब हम इसको अलग अलग ज्वाइंट करेंगे। तो एक पार्ट हम एक पार्ट में ज्वाइंट करेंगे, जैसे देखो ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट हम यहाँ से और यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे, ऐसे हमारा ज्वाइंट होगा। तो इसको हम ऐसे ज्वाइंट कर लेते हैं, ये देखो इसको आप ऐसे ज्वाइंट करो अपने पार्ट्स को, और इसी प्रकार दूसरे वाले पार्ट्स को आप दूसरे वाले पार्ट्स पे ज्वाइंट कर लो। तो ये आपका नेट का बोट नेक हो जाएगा और 1 टक्स का ब्लाउज हो जाता है। अब आप इसको इसके अंदर बिग साइड पार्ट ज्वाइंट करके और हम इसमें बाजू ज्वाइंट करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हमें बैक साइड पार्ट इसमें ज्वाइंट करना होता है। ये हमारा ज्वाइंट हो गया है, ये देखो ये वाला पार्ट, ये हमारी यहाँ पे बाजू है। आप चाहो तो इस नेट के पार्ट पे लेस या लगा सकते हो कोई भी अपने डिजाइन से, और मैं इस पे सीधी ही वापस पुनः स्टिचिंग कर रही हूँ। और इसी प्रकार से दूसरा पार्ट ज्वाइंट करके और आपको इसमें हुक पट्टी और कढ़ाई की पट्टी अटैच करके बताएंगे। तो ये देखो ये ऑन साइड है और ये भी ऑन साइड है। इस प्रकार से ये एक पार्ट ज्वाइंट हो गया है और ये एक हमें ज्वाइंट करना है। अब जो इसमें थोड़ा सा शेप नहीं है तो आप इसको ऐसे शेप दे लो और इसकी फिनिशिंग कर लो। तो मैंने इसको ऐसे अपना बाजू का शेप दे लिया है। जो स्लीव्स है मैंने इसको दोनों को, क्योंकि हमारी मेगा स्लीव्स है जो कि मैंने आपको कटिंग की वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आपने नहीं वॉच किया है तो मेगा स्लीव्स की कटिंग की वीडियो आप जरूर वॉच कर लीजिएगा। इसकी कटिंग बहुत प्रोफेशनल होती है और इसकी स्टिचिंग भी बहुत सुंदर होती है, और इसकी जो सेटिंग है, मेन बात यह है कि इसकी जो सेटिंग है वो बहुत अच्छी होती है। ये आगे पीछे नहीं जाती, ये ऊपर नीचे नहीं होती, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती, ये बिल्कुल ऐसे सीधी रहती है। जो ऐसे सीधी होती है हमारी ब्लाउज वैसे ये सीधी रहती है, ये ऊपर नीचे ऐसे कुछ नहीं जाती है। तो इसको मैं आपको अभी अटैच करके बता रही हूँ, और इसको मैंने यहाँ पे देखो डबल जो है ऐसे स्टिचिंग कर लिया इनको, मतलब कि जॉइंट कर लिया। ये जो डबल पार्ट में ऐसे ओप होती है आगे से, और डबल पार्ट में मैंने इसको कटिंग किया है। हमारे बैक साइड की डार्ट है तो इसको हम 1/2 इंच की जो हम लेते हैं बैक साइड की डार्ट की, तो वो यहाँ पे हम 1/2 इंच की बैक साइड की डार्ट लगा लेते हैं, और इसके बाद हम इसके आगे के पार्ट्स वो है जॉइंट करेंगे। ये हमारे बैक पार्ट में 2 डार्ट लगती हैं और आपको इस प्रकार से लगाना होता है, नीचे से 1/2 इंच, ऊपर में ये से सेंटर हो जाता है, तिरछी लगती है। अब एक साइड में हुक पट्टी अटैच कर लेते हैं, और जो दूसरी साइड है उस पे आप इस पे कढ़ाई की पट्टी अटैच कर सकते हो। यहाँ पे इस तरफ हम कढ़ाई की पट्टी अटैच करेंगे, और इस पट्टी को ऊपर से ऐसे फोल्ड कर लिया है हमने,
और अब हम यहाँ पे इसको स्टिच कर लेते हैं। ये इतनी छोटी है तो इसमें पहले यहाँ पे जॉइंट कर लो। ये मैंने इसमें जॉइंट कर लिया है और अब हमारी कढ़ाई की जो पट्टी है वो बिल्कुल पूरी यानी कि बहुत बड़ी हो गई है और आसानी से हमने इसको जॉइंट कर लिया है यहाँ पे। अब जो एक्स्ट्रा बड़ी है इसको आप इसे कट कर दो और यहाँ से हम इसको जो ऊपर से फोल्डेड है ऐसे फोल्ड कर लेते हैं। आप इसको डायरेक्ट ही ऐसे फोल्ड कर सकते हो अगर आपके पास कालीन है तो। तो ये हमारी कढ़ाई की पट्टी यहाँ पे स्टिच हो जाएगी देखो ऐसे ऐसी हुक और कढ़ाई की जो पट्टी है वो यहाँ पे स्टिच हो जाती है। कट कर और ये देखो ये बिल्कुल जो है पूरी यहाँ पे हो गई है और ये हमारा वन टक्स है सिर्फ सिंपल। और ये ब्लाउज आपको कैसे दिखता है तो ये देखिए ये ऐसे दिखेगा। अब हम इसमें जो हमारे बाजू है वो जॉइंट करेंगे तो ये देखिए ये वाला पार्ट इस तरफ है और ये वाला पार्ट से ये और ये ब्लाउज पहना हुआ बहुत ही सुंदर लगता है। ये पट्टी है जो ऐसे अंदर फोल्ड हो जाएगी और ये ऐसे ऐसे होगा। अब हम इसमें पहले बाजू लगा लेते हैं और इसको एक स्टिचिंग लगाएंगे यहाँ से ऊपर से इसको ऐसे अंदर फोल्ड किया जाता है और ये ऐसे हो जाती है। तो ये हमारी कढ़ाई की पट्टी होती है और इसको हम ऐसे स्टिच कर लेते हैं ये देखिए। और इस पे हम तुरपाई लगाएंगे इसलिए हमने यहाँ पे बड़ी सिलाई की है क्योंकि इस पे हम तुरपाई लगाने वाले हैं। अब हम बाजू जॉइंट करते हैं। देखो हमारे पास मेगा स्लीव्स है और मेगा स्लीव्स में क्या होता है कि इसके आगे की कटिंग नहीं होती है। इसके जो देखो दोनों पार्ट्स हैं ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये यहाँ से बिल्कुल बराबर होते हैं। इसमें किसी भी पार्ट्स में कोई ऐसे कटिंग नहीं होती है इसमें दोनों की एक जैसी कटिंग होती है। तो ये जो हमारा सेंटर है यहाँ पे ये वाला इस सेंटर को हम यहाँ लगाएंगे। आप किसी साइड से लगा सकते हो ये डबल होती है तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसे रख के बाजू को फिर से मैं नीचे जैसे कि हमेशा हम जब भी स्टिचिंग करें बाजू के पार्ट को नीचे रख के स्टिचिंग करें। तो ये बाजू के पार्ट को मैंने नीचे रख लिया है और यहाँ से मुझे अब बराबर में स्टिचिंग करना है सिलाई करना है इसको सिल देना है। और देखो ये ध्यान कर लो आप कि आपके दोनों पार्ट्स ऐसे बराबर आ रहे हैं बिल्कुल बराबर आ रहे हैं यहाँ तक तो आप इसको स्टिच कर लो। पहले आप इसको देख लेना बहुत जरूरी होता है कि हमारे जो पार्ट्स है वो बिल्कुल बराबर आ रहे हैं ठीक है। अब हमें इनको ऐसे स्टिचिंग कर लेना है सीधी सरल सिलाई है। और मेगा ब्लाउज में क्या होता है कि यह उरेप होती है। देखो मैं इसमें आपको खास बात बताती हूँ कि ये क्या होती है। ये जो कटिंग होती है इसकी जो उरेप में होती है तो ट्रेंगुलर शेप बोलते हैं हम जिसको तो उस शेप में जब हम इसको कटिंग करते तो ये क्या बढ़ती रहती है हमारी बॉडी को जिस भी साइड में यानी कि खिंचाव आने की संभावना हो जैसे भी हम घूमते हैं तो ट्रेंगुलर शेप जो होता है वह एडजस्ट हो जाता है बढ़ जाता है उस साइड में और उसकी साइज लिमिटेड होती है वह बढ़ता रहता है। जैसे आपकी स्ट्रिचेबल पैंट होती है तो वह स्टिच करती है ऐसे जंप करती रहती है वैसे ही ये जो है जंप करती है बाजू और जिस साइड में आपको जरूरत होती है उस साइड में भी ये बद करके आपको स्पेस दे देती है तो आपको छोटी बड़ी महसूस नहीं होती टाइट नहीं होती खिंचाव नहीं आता। तो ये मैंने इसको यहाँ पे पूरा स्टिच कर लिया है और इसी प्रकार से आप भी अपनी जो है बाजू को ऐसे स्टिच कर लो। आप इसको डबल सिलाई भी कर सकते हो और डबल स्टिच भी कर सकते हो। तो ये देखो ऐसे जॉइंट हो जाती है ये हमारी बाजू। इसमें यहाँ से थोड़ा सा ये साइज जो ब्लाउज का वो बड़ा है और यहाँ से ये बिल्कुल बराबर है तो ये एक पार्ट्स बिल्कुल बराबर है। जो थोड़ा सा बड़ा होता है इसको हल्का सा हम यहाँ पे हल्की सी जो कटिंग कर लेंगे
तो ये हमारे पार्ट्स भी बिल्कुल आपको बारीक करनी है या फिर आप इसको सिलाई में भी ऐड कर सकते हो, आपको कटिंग करने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा होता है कि बराबर कर लेती है तो जो सिलाई आती है वो अच्छी आती है। तो ये देखो यहाँ से आप इसको एक ऊपर से सिलाई कर लो, अगर आपको पैकिंग सिलाई करनी है तो। अगर आपको सीधी सिलाई करनी है तो जैसे मैं बताती हूँ, इसको हमने ऐसे सीधा कर लिया है और यहाँ से हम अपनी फिटिंग का नाप लेंगे। यहाँ से हम हमारा जो चेस्ट होता है, चेस्ट की यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे और जो हमारा कमर की फिटिंग है वो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ये वाली मैंने तुरपाई की पट्टी ली है, ये मैं ब्लाउज के नीचे अटैच करके फोल्ड करूंगी। और ये जो हमारी सिलाई है, आप इसको देखो ऐसे अंदर फोल्ड कर लेना, जैसे हम कटोरी की सिलाई ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, जैसे हम बेल्ट की सिलाई ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, वैसे ही सिलाई को भी आप ऐसे फोल्ड कर लेना, क्योंकि यह वन टक पॉइंट सिलाई है और यह सिलाई थोड़ी बड़ी होती है, जो नॉर्मली सिलाई होती है उससे ये ज्यादा होती है। ऐसे आप तुरपाई की पट्टी लगा करके ऐसे फोल्ड कर लें यहाँ पे। अब हम इसमें सीधी हमारी मार्जिन की सिलाइयाँ लगा रहे हैं। इस प्रकार से आप अपनी चेस्ट का और बाजू का, यहाँ पे मैंने देखो बाजू का मार्किंग कर लिया है, जितनी मुझे मारे यानी कि 12 चाहिए तो आप 12 की रख लो, 13 चाहिए तो आपको 13 की रख लो। वैसे ये थोड़ी आगे से लूज होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी नाप रख लो। उसके बाद में चेस्ट के अकॉर्डिंग चेस्ट का नाप रख लिया है, चेस्ट का फोर्थ भाग, और कमर के अकॉर्डिंग कमर का नाप रख लिया है। तो ये तो मेरी देखो फिटिंग की सिलाई है, इसके अंदर जो भी आएंगी वो मार्जिन की सिलाई होगी। ये हमारा जो ब्लाउज है अभी देखो कम्प्लीटली हो चुका है, इसकी हमने मार्जिन की सिलाइयां भी लगा ली है। तो अगर आपको ये हमारा जो ब्लाउज है इसकी कटिंग स्टिचिंग अच्छी लगी हो, कटिंग की वीडियो हमने आपको पहले ही अब तक पहुंचा दी है, और ये जो थी सिलाई की वीडियो थी, अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। ये देखिए ये हमारा बॉटनेक डिजाइनर ब्लाउज तैयार है, और ये जो इसकी स्टिचिंग है ये बिल्कुल परफेक्ट आनी चाहिए। यहाँ पे हम तुरपाई करेंगे और यहाँ पे चूंकि हमने तुरपाई कर लिया है देखो, और ये भी हमारा ऐसे बराबर आना चाहिए। तो ये जो साइड की स्टिचिंग है ये दोनों कॉर्नर पे ही आनी चाहिए, आगे पीछे नहीं आनी चाहिए। इसके बाद ये मेगा स्लीव्स है, देखो ये मेगा स्लीव्स ये आगे पीछे नहीं जाती है, इसके आगे के और पीछे के पार्ट बिल्कुल बराबर रहते हैं, और ये लचीली होती है क्योंकि ये स्ट्रिचेबल होती है। इसको हम उरेप में कटिंग करते हैं, ट्रेंगुलर शेप में कटिंग करते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट आती है, और इसकी जो देखो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो आप ये मेगा स्लीव्स की बाजू की कटिंग की मैंने वीडियो आप तक पहुंचाई हुई है, इसकी कटिंग की वीडियो भी आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि बोट नेक और नेट सहित जो इसकी कटिंग है वो आप देख सकते हैं। और ये वाली जो मेगा बाजू की कटिंग भी डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, और ये स्टिचिंग मैंने आपको करके दिखाई दी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।